चलिए देखिए, 10 तक मेरी जो क्लासेस है ना, 10 मैं से मैं गया था, 10 तक भी मेरी क्लासेस हैं वो यहाँ पर डेली चलेंगी ना, 10 तारीख तक ना, 11 से का जो भी आई थिंक मे भी कोई टीचर अवेलेबल ना हो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरी क्लास यहाँ पे 11 से 12 MWF और 12 से 1 TDS, ये जो क्लास है ये मैं लूँगा 10 फरवरी तक ना। हाँ मतलब मेरी चलेगी यहाँ पे, तो रेगुलर हो गई ना 11 से 12 3 दिन यहाँ 3 दिन यहाँ, तो डेली हो गई ना आपकी। तो मैं कह रहा हूँ 10 फरवरी तक रेगुलर रहेगी। सिस्टोपोलॉजी हो गया था यहाँ पे ना, ये सबको समझ आएगा। आगे बढ़ते देखिए क्या ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके बाद हमें जो पढ़ना है कुछ बचा। अच्छा हाँ, इसमें बैच में बचा था ना केबल वगैरह ना, इसमें देख लीजिए अच्छा उसी के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा एक बार यहाँ पे। बस हमने लास्ट पढ़ाया था ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है ट्विस्टेड पेयर केबल। थोड़ा एक बार जो हमें जानना चाहिए आगे के केबल को पढ़ने के लिए, आगे के मीडिया को पढ़ने के लिए, उसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास दो कापर वायर हैं और दोनों आपस में क्या है ट्विस्ट है यहाँ पर ना, तो अगर इस दो कापर वायर दोनों आपस में क्या ट्विस्ट है, अगर ऐसी केबल आपको कहीं भी दिखती है तो कौन सी केबल है ट्विस्टेड पेयर है। इसमें मैंने ये बताया था मेन चीजें देख लो आप यहाँ पे, इसमें जो अटेन्युएशन होगा वो हाई होगा इन कंपेरिजन टू अदर ना। अटेन्युएशन का मतलब आपको ये बताया गया था कि डेटा कुछ दूर के बाद जाके सिग्नल वीक हो जाएगा ना, तो वो जो प्रॉपर्टी से क्या कहते हैं अटेन्युएशन। और यहाँ पे जो नॉइज होगी, हाँ जो नॉइज होगी जो दूसरे सिग्नल इसको अफेक्ट करेंगे वो भी ज्यादा ही होगा ना यहाँ पे, मतलब ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है, तो नॉइज में क्या होगा मोर होगा, हाई बोल सकते हैं मोर नॉइज ना, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉइज भी होगा। और लो बैंड भी थोड़ी गई थी ना, लो बैंड भी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई केबल है, अगर इस केबल में अटेन्युएशन ज्यादा हाई है तो ये केबल बहुत दूर तक डेटा को लेके नहीं जा सकती, ये सब बताया जा चुका है ना आपको यहाँ पे। इसका मतलब है हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज नहीं कर सकते, इसको ट्विस्टेड पेयर लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग्स यहाँ पे, अगर नॉइज क्या है, अगर नॉइज यहाँ पे ज्यादा है तो ट्विस्टेड पेयर केबल में हम लोग ऐसे नॉइज का मतलब डेटा सिग्नल कुछ ना कुछ लॉस होगा। अगर किसी केबल पे नॉइज का इफेक्ट बाहरी सिग्नल का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब है वो डेटा जो जा रहा है यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ परसेंट क्या होगा लॉस होगा, 0.1% मान लेते हैं क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अगर लॉस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। तो मैंने शायद एग्जांपल दिया था वीडियो डेटा का ना, वीडियो डेटा का कि मैंने टीवी का एग्जांपल दिया था ना, कि अगर जैसे मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे ठीक है कोई यहाँ से आपके पास एक एंटेना लगा हुआ है और यहाँ से डेटा आ रहा, सॉरी यहाँ से कह रहा डेटा आ रहा है, और हम यहाँ पे केबल लगाते हैं और केबल हमारे टीवी तक आता है यहाँ पे, और यहाँ से डेटा यहाँ पे आके डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर एक वीडियो ना, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। अगर ये केबल ट्विस्टेड पेयर केबल होगी तो मैंने ये कहा था कुछ डेटा लॉस होगा, तो यहाँ ब्लरिंग करेगा सिग्नल सही से नहीं है, ग्रुप ग्रुप के आएगा ना, बहुत अच्छी क्लीन में पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी, क्लीन की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो इस केस में हम लोग ट्विस्टेड पेयर का यूज नहीं कर सकते जब वीडियो डेटा की लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, क्योंकि यहाँ नॉइज क्या है ज्यादा है, तो इस केस में हम भी नहीं यूज कर सकते, लॉन्ग डिस्टेंस में भी यूज नहीं कर सकते ना। और साथ ही साथ यहाँ बैंडविड्थ मतलब स्पीड होता है, क्या होता है स्पीड होता है। तो हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, जैसे ऐसे हमारे पास 100 GB का डेटा, कितने का है 100 GB का है, 1000 GB का है, ऐसे अगर डेटा है और इनको भेजना है, अगर स्पीड स्लो होगी टाइम बहुत क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको लिमिटेड यूज कर सकते हैं ना, हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट डिस्टेंस पे ना, जहां पे आपके पास वीडियो डेटा ना भेजा जाए और जहां पे डेटा की साइज बहुत ज्यादा ना हो, वहां से भी यूज आसानी से कर सकते हैं, सबसे परफेक्ट है। सिंपली एक लाइन बोल सकते हैं कि लाइन में यूज आसानी से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। अब इसके बाद इन्हीं पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हम इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं अगर दूसरी केबल के साथ यहाँ पे ना। तो नेक्स्ट केबल आपकी थी कोएक्सियल केबल, हेडिंग बनाइएगा
कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल ये भी एक गाइडेड मीडिया है ना, केबल का मतलब है गाइडेड मीडिया। और यहां पहले बना के आपको दिखा दे रहा हूं। अच्छा जो आपने टीवी केबल देखा होगा ना, टीवी केबल वो की जो डिस आती है ना, डिस केबल होती है, वो किस कैटेगरी की? कोएक्सियल। तो जो आप केबल टीवी आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ ऐसा उसका व्यू होगा, अगर मैं उस केबल को कट करूं तो उसका जो इनर पोर्शन होगा वहां पे कई लेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग चलो उसको बनाते हैं यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं कि वो पीवीसी या प्लास्टिक का कवर है ना, तो इसको मान लेते हैं कि चलो ठीक है आउटर कवर है, आउटर कवर। इसके बाद इसके अंदर आप जाओगे यहाँ पे, जैसे मैं अगर यहां बनाता हूं आउटर कवर है, फिर इसके बाद एक जो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट लेयर है ठीक है, वो एक कापर का, कापर की ही लेयर होती है यहाँ पे जो आपको लगा होता है कापर की एक लेयर होती है उसके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, इसे कापर मेस कहते हैं, कापर मेस कहते हैं यहाँ पे। ये भी याद रखना, कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाता है कापर मेस किस केबल में यूज होता है, तो कौन सी केबल है? कोएक्सियल केबल। इसके बाद इसके अंदर आप आओगे ना, तो आपको एक और लेयर मिलेगी यहाँ पे। तो इसके अंदर आप आओगे आपको एक लेयर ही मिल जाएगी, चलो मैं ठीक है ले लेता हूँ। ये इंसुलेटर है, तो ये जो आपको दिख रहा है क्या है? इंसुलेटेड मटेरियल की होगी, मतलब कि ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर होगा यहाँ पे ना, तो ये हो गया आपका। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक कंडक्टर वायर होता है, कंडक्टर वायर यहाँ पे होता है ठीक है, जिससे आपका डेटा फ्लो होता है। तो यहाँ पे और आपको मिल जाएगा कंडक्टर वायर। तो अगर आप फ्रंट से आप कट करके देखेंगे इसको यहाँ पे, तो कम से कम इतनी लेयर मिलेंगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है ना प्रोटेक्शन के हिसाब से, क्योंकि कवर कभी कभी एक से ज्यादा हो जाते हैं, लेयरिंग एक से ज्यादा हो जाती है, लेकिन मिनिमम इतनी आपकी होगी। तो जब आप इस केबल को कट करके देखेंगे आपको, तो सबसे अंदर एक ब्लैक कलर का मिलेगा आपको, क्या वायर मिलेगा ठीक है, कॉपर का ही मोस्टली बना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक इंसुलेटर होगा, तो इसे हम कह सकते हैं इनर इंसुलेटर, इनर, क्योंकि ये भी इंसुलेटर टाइप का ही होगा ना प्लास्टिक पीवीसी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इनर इंसुलेटर। और ये आपका एक कंडक्टर है, ये भी कॉपर का ही बना होता है, कंडक्टर वायर या कॉपर वायर का ही बना होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इनका यूज क्यों है। ये तो बाहरी प्रोडक्शन के लिए ना, कवर क्यों लगाया जाता है? बाहर से प्रोटेक्ट करे ना इन्वायरमेंट से, या उसमें कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है, ये सारी चीजों से। जैसे हम लोग कोई भी कवर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल प्रोडक्शन के लिए ना, बाहरी प्रोडक्शन के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, इसका लगाने का मेन पर्पज है कि नॉइज को रिड्यूस किया जा सके ना, कम से कम किया जा सके। तो बाहरी नॉइज को बिल्कुल हटा देता है। जैसे अगर यहां से सोचिए, अगर मैं बात भी कर किसकी करूं, ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो बाहर से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये ट्विस्टेड पेयर केबल थी, जब यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर थी ना, तो इस पर डायरेक्ट अफेक्ट करते थे, करते थे यहाँ से, तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा लॉस होता था। तो नॉइज का इफेक्ट क्या होता था? ज्यादा होता था। बट यहाँ पे कापर में इसके लगने से कोई बाहरी सिग्नल इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये रैप्ड है पूरी ना यहाँ पे, तो जो भी सिग्नल आएगा कापर उसको क्या एक तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ पे ना, अंदर जाने नहीं देगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये तो है क्या, डेटा ले जाने वाला, इसको कोई डिस्टर्बेंस कहीं से होने वाला नहीं है। अब इसके बाद ये जो लगा हुआ है, इसलिए लगाया गया इसको, क्योंकि ये भी तो कापर है और ये भी मतलब मेटल है, ये भी मेटल है, तो हो सकता है ये मेटल ही इसको क्या कर दे, इसके लिए नॉइज बन जाए ना। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये मेटल है और ये भी मेटल है, तो इनके इनके आपस में क्या होगा, तरीके से चार्जेज है कि नहीं यहाँ, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे डिस्टर्ब ना करे, बीच में कौन लेयर लगा जाएगी? इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कोई डेटा मूवमेंट नहीं होता, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होते, कोई किसी तरीके करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो इंसुलेटर में करंट का फ्लो नहीं होता, कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, ये बेसिक चीज हमने पढ़ी होगी ना कहीं नहीं। तो इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो इंसुलेटर जब होगा तो यहां से यहां कोई चार्ज मूव नहीं कर सकते, तो कभी भी इसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई नॉइज होती नहीं है ना, लेकिन हाँ
जीरो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मैंने कहा था नॉइज का मतलब सिर्फ बाहरी सिग्नल का आना नहीं है, बल्कि अगर हीट हो गया केबल क्या हो गई, हीट हो गई, हीटिंग की वजह से डेटा लॉस हो गया तो भी तो नॉइज है। नॉइज का मतलब यह था कि जिस सिग्नल की वजह डेटा क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो मैं हम लोग ये बोलते हैं इसमें बहुत ही लो क्या होती है, नॉइज होती है बहुत ही लो यहाँ पे ना, लेकिन हाँ जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि अगर ये केबल हीट थोड़ा बहुत होगी कभी कभी हो सकता है कुछ पर्सन मतलब इतना कहने का मतलब ये हम लोग बोलेंगे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता कभी यहाँ पे, कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बट हाँ हम लोग जब आइडियल सिचुएशन लेते हैं तो कभी जीरो नॉइज नहीं बोल सकते ना, इसलिए जब भी लेकिन क्या लिखेंगे वेरी लो नॉइज। ये बात समझ आई, चारों क्यों लगाया जा रहा है, ये डेटा लेके जाएगा और ये एक्सटर्नल सिग्नल को रोकेगा ना, और ये बाहरी प्रोडक्शन के लिए है, मतलब मैनुअल प्रोडक्शन है ऐसे ही ना, सिंपल चार्ज केबल का नहीं है, ये तो वहां भी होता है इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल है ना, ऊपर से कवर लगा होता है, और ये बस ये होता है कि इन दोनों में कॉन्टैक्ट ना होने पाए यहाँ पे ना, बस इसलिए क्या लगाते हैं इनर इंसुलेटर। तो अगर इस तरीके की केबल कोई कंस्ट्रक्ट करी गई है तो क्या है, कोएक्सियल केबल है, और इसलिए कोएक्सियल बोलते हैं कि सभी का सेंटर क्या होता है एक ही एक्सिस पे होता है ना, अभी यहाँ पे इसका सेंटर इसी एक्सिस पे होगा, इसका सेंटर इसी एक्सिस पे होगा, इसका सेंटर इसी एक्सिस पे, कॉमन एक्सिस है कि नहीं, तो कॉमन का मतलब यहाँ पे कोएक्सियल है, बस इसलिए नाम यहाँ पे दिया था, बाकी मेन यहाँ पे है, पहले इसको बना लो फिर लिखना इसके बारे में। इंसुलेटर बनता नहीं इसे, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं टोटल जो हमारे इस धरती के मटेरियल्स हैं लगभग तीन टाइप के, कुछ इंसुलेटर है, कुछ कंडक्टर और कुछ सेमीकंडक्टर। हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को देख के कैटेगराइज करते हैं, अगर कोई जैसे मान लेते हैं मटेरियल मान लेते हैं, अगर इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं करंट फ्लो हो रही है तो किसमें रख देंगे, कंडक्टर। अगर वो अगर देख लकड़ी हमने ले लिया है ना, अब इसमें देखा नहीं फ्लो हो रहा है तो किसमें रख दिया, इंसुलेटर में रख दिया। इंसुलेटर यही इंसुलेटर है ना, प्लास्टिक क्या है इंसुलेटर, रबर क्या है इंसुलेटर, आयरन क्या हो गया कंडक्टर ना, गोल्ड क्या हो गया कंडक्टर, सिल्वर क्या हो गया कंडक्टर, कॉपर क्या हो गया कंडक्टर। जो मटेरियल्स केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे वो सारे मटेरियल तीन पार्ट में क्या कर गया, कैटेगराइज कर दिया गया। कुछ ऐसे हैं सिलिकॉन जैसे, वो कंडक्टर का मतलब है बहुत करंट नहीं फ्लो कराता बट हाँ बहुत अगर थोड़ा एनर्जी दोगे उसको ना तो करंट फ्लो करा सकता है, तो उसको हम सेमी कंडक्टर रखते हैं ना, जर्मेनियम सिलिकॉन ना, ये सब क्या है आपके सेमी कंडक्टर है, यहाँ तक ग्रेफाइट वगैरह को भी हम रख देते हैं ना, उस चीज में इंसुलेटर टाइप होगा जो कॉपर होता है, कार्बन तो होता है ना, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है जो हम लोग सेमी कंडक्टर यूज कर सकते हैं, उसकी बात होती है ना, जिसमें लिख लीजिएगा यहाँ पे पहले दो पॉइंट, आउटर कवर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, कॉपर मेस मिनिमाइज या इलिमिनेट्स द एक्सटर्नल सिग्नल्स।
इनर इंसुलेटर, चलिए मैं कुछ इमेज भी दिखा दे रहा हूँ आपको, जिसके थ्रू आप थोड़ा सा समझ जाओ कि हाँ कैसी केबल्स आपको दिखती है ना, चाहे को एक्सियल हो, चाहे ट्विस्टेड पेयर हो या फाइबर ऑप्टिक केबल हो। उसके बाद आते इसके बाद लिखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और साथ ही साथ इसमें और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन हमने बाकी देखा, फिर क्या देखा, कंस्ट्रक्शन ना क्या है, कंस्ट्रक्शन उसके क्या क्या पॉइंट है, हमें क्या क्या लिया। आगे बढ़े, कॉलेज का हमने कभी यूज किया नहीं है, हमें पता नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं ना, फिर किसी ना किसी का ले लेंगे भी। नहीं नहीं खत्म नहीं होगा ना, ये सब अनलिमिटेड है। चलिए देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट में सर्च कर लेते हैं ट्विस्टेड पेयर। जैसे ये केबल्स हैं ना, जो ये केबल आपको दिख रही है, जो मेरे जरूरत नहीं है, ये जो केबल आपको दिख रही है किस कैटेगरी की, आप ऐसे केबल देख लोगे आपने ना, तो ये ग्रे कलर का होगा तो व्हाइट कलर का ना कवर लगा होता है, उसके अंदर ये जो पेयर है ना, सिंगल पेयर की बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे दिख रहा है। बाकी ऐसे चार पेयर है ना, ऐसे पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, बट हाँ एक की बात यहाँ पे हो रही है। चलो क्या रेट दिख रहा है,
चलो ठीक है। तो यहाँ पे हाँ मेरे लिए यहाँ पे देखना, नहीं कोई चीज कुछ महंगी नहीं आती, बस इंजीनियरिंग महंगी होती है ना, समझ रहे हो ना। बाकी अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली, नॉलेज ले लिया आपने सही तरीके से, तो इम्प्लीमेंट आप कर लोगे ना, इसीलिए बहुत महंगी कुछ नहीं होती। मेन सबसे महंगी क्या होती है, इंजीनियरिंग ही होती है। महंगी का मतलब है स्किल पढ़ने के लिए ना वहाँ पे। तो इसके बाद ये आपके पास एक पेयर है ना, ये आपके पास कॉपर वायर है, इसके बाद कवर लगा हुआ है ना सिंपल यहाँ पे, इसलिए इसमें जराइट कवर कोई प्रोटेक्शन इंटरनल यहाँ पे है ना, इसलिए नॉइज के इफेक्ट क्या पड़ता है, ज्यादा पड़ता है ना इस केबल पे। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है जो मैंने डिस्कस यहाँ पे किया था। तो अगर सिंपली यहाँ पे देखा जाएगा तो यही स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा हर जगह पे ना। हाँ बस एक चीज ये हो सकती है कि ये जो जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच में आओगे कभी इन फ्यूचर ना, प्रैक्टिकल अप्रोच में आओगे तब आपके पास ये जो आप यहाँ पे क्या होती है केबल्स होती है, आपके पास अगर मैं देखिए थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, आपके पास एक कनेक्टर वगैरह ना, एक मिनट सर, जैसे यहाँ पे देखिएगा अगर मैं सिंपली कनेक्टर की बात करता हूँ, मे बी इसी में कहीं लिख दिया होगा, क्योंकि ये बिना कनेक्टर कनेक्ट होती नहीं। चलिए ठीक है मैं सर जी, नहीं ठीक है एक मिनट, मैं बस टोटली दिखा दे रहा हूँ RJ45 ना, या ये कनेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये आपने देखा होगा ठीक है सर, फिकल्टी देखे मैं यही आपसे कह रहा था, वही तो कह रहा था ना कनेक्टर है, ठीक है मैंने कहा था केबल थोड़ी दूर जुड़ेगी ना डायरेक्ट, देखिए बीम लगाने लगाए हीरो पानी से डीपीएस नहीं आता था, हां नहीं वो अलग अलग कनेक्टर आते हैं आगे, एक वो ऐसा नहीं कि आगे पर फाइव गिरा होगा क्या, मतलब ऐसा नहीं कि आगे पर फाइव गिरा होगा ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो एक RJ11 भी होता है, अलग अलग टाइप कनेक्टर भी होते हैं यहाँ पे, चलिए एक मिनट पेज कुछ हैंग कर रहा है, चलिए ठीक है ना। तो ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है RJ45, यहाँ पे तो RJ45 भी होता है, एक RJ11 भी होता है ना, देखिए आपके पास RJ45 होता है RJ11 होता है, तो वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ना, किसी में जो केबल्स होते हैं अंदर वायर्स होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, उसके तरह से नाम उनका होता है ना, मगर हाँ मैं इसकी बात यहाँ पे कर रहा था। तो इनके अंदर जब आप प्रैक्टिकल पे जाएंगे ना, कभी प्रैक्टिकली बनाना चाहेंगे ना, इस कनेक्टर में सेट करना चाहेंगे ना केबल को, तो यहाँ पे जो आपके पास क्या है केबल्स है उनके वो अलग अलग कलर की होती है ना, रेड ग्रीन ब्लू ना कलर की होती है, अब इन कलर को सेट करना होता है ठीक है, तो उनका एक कोड होता है ना, पहले रेड ग्रीन ब्लू ना, ये कोड होता है, आप किसी को भी कैसे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो वो सब चीजें जब आप बनाते हो तो एक बार कलर कोड आपको बता दिया जाता है, तो आप उसमें आपके पास एक आपके पास कैंपर आएगा, उससे आप क्या करो क्लिप करोगे यहाँ पे ना, तो सिंपल सी बात है कि अपने आप नहीं बनेगा, क्लिपर से लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पे क्लिप कर देते हैं ले करके, और उसके बाद फिर सेट करके ना पैटर्न में, जैसे ये आपके पास क्या है 5 केबल है, तो आप क्या करोगे इसमें ऐसे लगाओगे, इस तरीके से लगाओगे और क्लैंप कर दोगे ना उसे, बस वो बन जाएगी, अब आप प्लग आसानी से कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर लो सही कलर कोड है कि नहीं है। तो कम से कम ये बस 2 मिनट का काम है ना, इसे केबल रहेगी, इसके बनाना कितने का सिर्फ 2 मिनट का काम है, अभी जब प्रैक्टिस जाए 3 मिनट लोग बना देते हैं इसको, कलर कोड आपको सेट करना बनाना। तो ये एग्जैक्टली क्या है ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में ना, यहाँ पे तो यही कनेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ कोएक्सियल केबल की, देखिएगा जी भी आपको दिखा होगा ना कहीं कहीं पे यहाँ पे, तो ये जो ये कनेक्टर है ये जैसे है ना जी, ये मैं भी बना रहा था ना आपके सामने, तो ये जो आपके पास केबल है ये कवर हो गया, ये कॉपर मेस हो गया ना, और ये आपके पास इनर इंसुलेटर हो गया, ये क्या कंडक्टर वायर हो गया। अब इसके बाद ये जब ये इनको कनेक्ट करना होता है तो RJ45 नहीं लगता, ये कनेक्टर लगते हैं ना इस टाइप में, तो अब यही केबल आई हुई है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ से, और उसको प्लग कर दिया जाएगा यहाँ पे, आपको प्लग करना है।
ना इस तरीके पोर्ट आते हैं, पीएसयू पोर्ट बोलते हैं, पीएसयू यूएसबी होता है जैसे ना, यूएसबी बोलते हैं तो उसको पीएसयू बोलते हैं ना, सिंपल सी बात है। जो आपके पास ये पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे अपने डिस वगैरह में ना, आसानी से प्लग कर सकते हैं, तो इसकी बात यहाँ पे कर रहे थे ना, ये जो कनेक्टर है अलग होता है वहाँ पे अलग होता है। ये आरजी सिक्स है ना? नहीं नहीं जैसे यहाँ मतलब क्या आरजी सिक्स मतलब किस चीज की बात कर रहे हो? ये कनेक्टर की बात कर रहे हो? हाँ कनेक्टर आरजी सिक्स है, उसमें जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट की बात कर रहे हो, जैसे ये जो आपके पास पोर्ट होता है उसे हम पीएसटू बोलते हैं ना, पोर्ट की बात, जैसे यहाँ प्लग करते हो आप यहाँ पे ना, वो जो होता है ये आरजी सिक्स है। बहुत आते हैं ना यहाँ पे, तो नहीं जैसे वहां पे आरजी फोर फाइव था ना, तो ये आरजी फोर फाइव भी नहीं होता, आरजी आपके पास जैसे 11 भी कहीं दिख जाएगा, 13 भी कहीं आपको दिख जाएगा, अलग अलग कैटेगरी आती है वहाँ पे ना, तो केबल की भी कैटेगरी, एक ही केबल थोड़ी होती है यहाँ पे, कोएक्सियल केबल भी एक ही केबल नहीं आती, ऐसे करके आएगी कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 ना, उनकी जो विड्थ होती है क्या होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी क्या होती है कम होती है, मतलब कोई मोटी कोई पतली केबल यहाँ पे होती है ना, उसके हिसाब से भी कैपेबिलिटी होती है। आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर कोई केबल बहुत मोटी है तो उसमें शायद स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना कभी कभी आपने, लेंथ के हिसाब से, एरिया सेक्शन के हिसाब से ना चीजें चेंज होती रहती है, तो वो सब जो आप जिस साइंस पढ़ के आते हो सब यहाँ भी फॉलो होता है। तो इसके हिसाब से हाँ, क्योंकि ये सब ज्यादा पॉपुलर आप लोगों में नहीं है ना, इस वजह से ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ 4G RG 4G 5 इसलिए बताए थे कि हो सकता है कभी एग्जाम में डिस्कशन करने को मिल जाए कि RG 4G 5 कहाँ पे यूज होता है, तो कहाँ पे यूज होता है आपका, ट्विस्टेड पेयर केबल पे, क्योंकि यहाँ कनेक्टर तो बहुत है ना, जैसे कनेक्टर की बात ज्यादा नहीं कर सकते इसमें। एक और देख लीजिएगा, उसके बाद उससे बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, जैसे ये केबल आप देख रहे हो, इसमें ये जो केबल होगी, इसमें पहले से अभी हम डिस्कस आगे करेंगे, ये केबल होती है, इधर बहुत सारे आपके पास यहाँ जो केबल होगी ये ग्लास की होगी, किसकी होगी, सॉफ्ट ग्लास होते हैं यहाँ पे, जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्लास की केबल है, और इसमें डेटा लाइट के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में नहीं जाता, अभी आगे डिस्कशन होगा, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो आपके घर केबल आई होगी ब्लैक कलर की, आप जब उसको कट कट करते उसको देखते हैं, तो आपका वहां पे सॉफ्ट ना फाइबर मिलेगा, मतलब ग्लास टाइप मिलेगा आपको, ठीक है, और उसके अंदर जो अगर आप वहां पे देखेंगे तो कोई कापर की वायर नहीं लगा होगा, उसको होता है ना कापर वायर होता है, तो कापर वायर नहीं होगा वहां पे, क्या होगा, ग्लास वायर होगा, और उसमें डेटा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं आता, डेटा के फॉर्म में आता है लाइट के फॉर्म में आता है, तो क्योंकि इसीलिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, कोएक्सियल तो हमारे पास थी ना, कोएक्सियल तो है हमारे पास, वहां नॉइज नहीं है, उसका अटेन्यूएशन भी येलो है, बैंडविड्थ भी अच्छी ठीक ठाक है ना, इसलिए हमारा काम इससे चल सकता था कोएक्सियल से। इसको बनाने का मकसद ये था कि हमको जब स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की होती है, तो अगर हम डेटा को ही लाइट बना दें तो उसको सिंपल सी बात है कवर करने में जल्दी से कवर कर लामिनेशन पे यहाँ पे, और वो सब बातें आगे बोल रहे हैं यहाँ पे ना, इसका मतलब है अगर डेटा को हम तक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लेके जा रहे थे उसकी उतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन डेटा को लाइट के फॉर्म में लेके जाएंगे तो सिंपल सी बात है स्पीड क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी यहाँ पे, वो हमारे लिए बेटर होगा, जल्दी से कवर कर लेगा। इसीलिए सुनते होंगे कि समुद्र में केबल बिछाई गई है, तो कौन सी केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल, कि जब वहां पे आपको 10,000 किलोमीटर पे डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो वहां टाइम लगना नहीं चाहिए, और आई थिंक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि लाइट को मूव कराने का सबसे बेस्ट मीडिया है लाइट, समझ रहे हो, रिफ्लेक्शन होता है ना, हम टोटल रिफ्लेक्शन करके यहाँ पे आसानी से मूव करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो अब्जॉर्ब हो जाएगी ना, जैसे लाइट अगर किसे पड़ती है, कापर पड़ती है या उड़ भी पड़ती है या वाल्स पड़ती है, तो अब्जॉर्ब हो रही है, क्या रिफ्लेक्ट हो रही पूरी लाइट, नहीं पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ग्लास ऐसी चीज है कि हम पूरी रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, होती वहां भी पूरी नहीं, कुछ तो क्रॉस कर जाती है, बट हम चाहें तो उसको पूरा रिफ्लेक्ट करा सकते हैं ना, ये है कैपेबिलिटी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ग्लास की ही केबल बनाना सबसे क्या है बेस्ट है, इसलिए इसको बनाया गया है, और उसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, ऐसी केबल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। यहाँ पे अगर आप सिंपली देखेंगे यहाँ पे,
कई बार क्लिक हो गया, कैच हो गया। चलिए यहाँ जब जैसे इसमें अगर ये सारे के अलग अलग कैटेगरी के हैं, जब मैं एक सिंपल सा यहाँ पे चीजें और सर्च में दिखा देता हूँ, सबमरीन वाले लेता हूँ, जो सबमरीन केबल्स है ये सब ना, तो ठीक है बात इसमें होंगी। जैसे ये जो आप केबल देख रहे हो, ये सब केबल्स है ना, ये सब केबल बिछाई जा रही है, ये भी वही केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। मेन अंदर देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कवरिंग बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि पानी के अंदर की बात होती है, तो कभी कभी 20-25 लेयर लग जाते हैं वहां पे ना कवरिंग में, प्लास्टिक के पीवीसी के चक्कर में, कि खराब जल्दी ना हो। कम से कम 20-25 साल केबल चलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसके बाद उतनी कोई गारंटी नहीं होती है। केबल हर हमेशा बिछाई जाती है, हर 20-25 साल के बाद, या नेटवर्क कैपेबिलिटी को बढ़ानी तो भी केबल बिछाई जा सकती है। तो ये जो भी है सबमरीन केबल से सिंपल दिया जाता है, ये क्या है तरीके की फाइबर अंदर सब कौन सी केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल यहाँ पे ना। हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, कुछ बोला हमने, ठीक। इसके बाद आप कम से कम बैठे हैं 16,000-20,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में, इस बात को आप सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना, ये चीज इतनी डिफिकल्ट है ना। अगर इसको आप इसके बारे में सोचेंगे तो लगेगा ये साइंस है, आपने कुछ बोला, ठीक है, ये कौन सी वेव थी, साउंड वेव थी, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना, साइंस के सारे अलग अलग ना, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, हमें क्या किया उसमें, हमने उस फ्रीक्वेंसी को स्टोर किया, यहाँ पे रिसीव किया माइक से, रिसीव किया माइक से, उसको सेव किया एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, अभी एनालॉग था ना, अभी डिजिटल डिवाइस है ना, उसमें मैंने इसको सेव किया, सेव इंटरप्रेट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखा, जैसे जैसे था वैसे मेंटेन रखा, उसके बाद फिर यहाँ से क्या करा हमने, भेजा उसको अलग वेव में, रेडियो वेव में कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे रिसीवर लगे हैं टावर्स वगैरह में ना, वहां हमने क्या किया उसको रिसीव करवाया, और फिर उसको केबल में क्या किया, केबल में गया हो या तो सेटेलाइट में गया, दोनों हो सकता है यहाँ पे ना, केबल या सेटेलाइट। आप एक बार सोचोगे तो लगेगा कि ना क्या है, जादू ही तो है, मैजिक ही तो है, क्या है ना, तो बिछाना आप बताओ इसको करना डिफिकल्ट काम है। अगर आपको लगता है ना, देखिए एक आप वीडियो देख लेना, ठीक है, जब यूट्यूब पे देख लेना, आजकल तो हर चीज वीडियो पड़ी है ना, वो ज्यादा बेटर आपको मतलब समझ आए, मेरे बोलने से अच्छा आप वीडियो देखो ज्यादा बेटर, ठीक है, वहाँ पे एग्जैक्टली दिखा देगा तुम्हें है सर। मतलब अभी बहुत सारे घर आए हैं समुद्र के, से पता नहीं चल कितना घर आए, वो जैसे ये कौन, एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे जिस तरीके से भी ऑप्शन होगा केबल से पूरी पूरी ना यहाँ पे, अब वहां पे जहां तक के जिस भी तरीके से बात यहाँ पे होती है, कि अब जैसे ये क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक तो रहता है, जाहिर सी बात है बताना, मगर यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस करना मुझे सही लगता, इंडिविजुअल आपको जिस तरह की जानकारी आपको लेनी है आप एक बार जाके ले सकते हैं ना, क्योंकि मेरे हिसाब से सही यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं भी अगर इस सब चीजों में चर्चा करना चाहूंगा, जाहिर सी बात है आई थिंक मैं भी एक क्लास लूंगा ना, क्योंकि मुझे पढ़ाना है सब थोड़ा सा नहीं यहाँ पे, क्यों मैं भी जाऊँगा थोड़ा बहुत सर्च कर लूँ ना, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कोई नॉलेज हो तो आपको कंप्लीट ना देते यहाँ पे ना, तो एटलीस्ट कैसे क्या क्या होता है, कौन सा टेक्निक यूज होती है वहाँ पे, वो सब मैंने रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं किया ना, कोई जरूरत नहीं है। हाँ कैजुअली ले लिया इस चीज को, ठीक है, हाँ बिछा लिया था, समझ लो नहीं यार, तो आप एक बार जाके देख लेना, अगर कभी नीड पड़ी अलग से पूछने की तो आप पूछ लेना, हाँ मैं एक बार जरूर रिसर्च करूंगा इसके और अच्छे तरीके से ना, कि क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे ना, कैसे कैसे पॉइंट बताऊँ तो एक टीचिंग पॉइंट हो ना तो बेटर रहेगा। कैजुअल तो आप लोग समझ सकते हो ना, जहाजों से बिछाया जाता है, क्यों जी, हाँ तो ये सब जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल, चलिए ठीक है इसमें लिख लीजिएगा आप लोग। आते हैं रिवर्स पे, एक दो पॉइंट यहाँ लिख लेना कोएक्सियल के बारे में, फिर चलते हैं फाइबर ऑप्टिक। देखिए कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल इज मोस्टली यूज्ड used in video data transmission, video data transmission, टीवी केबल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, टीवी केबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ coaxial cable. कोएक्सियल केबल
क्वेश्चन, लेस नॉइज एंड हायर बैंडविड्थ, हायर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर के, तो मतलब ट्विस्टेड पेयर से बेस्ट है बट कास्टली तो उससे होगा क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ी सी एडवांस है और ट्विस्टेड की कंस्ट्रक्शन नॉर्मल है। यहाँ पे जैसे कभी नाम आता है ठीक है, दो टाइप की केबल होती है, एक थिन ईथरनेट और एक थिक ईथरनेट। ये केबल्स के नाम है यहाँ पे ना, टाइप्स ऑफ एक तरीके से कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल कौन हुआ, थिन और थिक, मतलब ये थोड़ी सी पतली होती है थोड़ी सी मोटी होती है, तो अक्सर दो कैटेगरी को देखने को मिलता है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं कि जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल था ना वहां जनरली होता है 100 मीटर, कितना होता है 100 मीटर की डिस्टेंस होती है किसमें, ट्विस्टेड पेयर, मतलब इससे ज्यादा दूरी तक आप डेटा को लेके जाएंगे तो डेटा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब एक कंप्यूटर और अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे आपके बीच में अगर 100 मीटर डिस्टेंस है तो यहाँ तक कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, सिग्नल आपका मेंटेन रहेगा ना यहाँ पे, इसके बाद हो सकता वीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर कौन सी केबल आपके पास है, कोएक्सियल केबल है, तो आपकी ये डिस्टेंस लगभग 500 मीटर 1000 मीटर तक हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग 10 किलोमीटर तक एक ही केबल लेके जा सकते, प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिएगा जैसे यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे 100 मीटर या 1000 मीटर का मतलब क्या है, तो हमने अगर एक कंप्यूटर यहाँ रखा, एक कंप्यूटर 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर पे रखा और वहां पे बीच में कौन सी केबल लगा दिया, कोएक्सियल केबल, तो डेटा पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनके बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो डेटा नहीं पहुंचेगा, फिर लॉस हो जाएगा ना बीच में यहाँ पे, क्योंकि इतना भी दूर लेके नहीं जा सकता कौन आपका, कोएक्सियल केबल है ना। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन पेयर में था आपका सिर्फ 100 मीटर, तो उससे 10 गुना क्या एक तरीके से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। स्पीड भी ठीक ठाक है ना, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा किया गया, मटेरियल ऐसे लगाया गया, स्पीड क्या है अच्छी इसकी, लगभग आप जीबीपीएस तक 1 जीबीपीएस ना स्पीड की, अगर लोकल एक नेटवर्क है तो अच्छी खासी इसकी क्या है स्पीड है, कहाँ तक 1 जीबीपीएस तक, यहाँ पे 1 जीबीपीएस बहुत होती है यहाँ पे ना। जैसे जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी 10 एमबीपीएस तक मानी जाती है, नॉर्मल केबल की कितनी है 10 एमबीपीएस है, जिसकी कितनी लगभग 1 जीबीपीएस यहाँ पे। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल की और ज्यादा हो सकती है वहां पे ठीक है, 100 जीबीपीएस ना 1000 जीबीपीएस इसकी एक इसकी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल की होती है, तो स्पीड ज्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे एक बात किसकी आती है, नॉइज की, नॉइज तो ना के बराबर है ना, क्योंकि कॉपर में सिग्नल सब बाहर से रोक ही लिया है, अगर इंटरनल केबल हीट रही हुई कोई नॉइज नहीं है, तो नॉइज आप मान सकते हैं बहुत ही क्या कम है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा लेस नॉइज लो एटेन्यूएशन एंड हायर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे अब उसी से रिलेट करके आप और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कितने टाइप का होता है थिन ईथरनेट, और यहाँ पे थिक ईथरनेट की बात यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर नहीं आता चीज़ है, चलिए नेक्स्ट में कांटे लगा पाएंगे ना आगे बात। ईथरनेट ये समझिएगा, जैसे ईथरनेट एक सिंपली एक नेटवर्क होता है, बात नहीं ईथरनेट एक नेटवर्क होता है, जैसे आप लाइन बनाते हो लाइन, जो वायर के द्वारा लाइन बनाते हो क्या कहते हैं, वायर के द्वारा लाइन बनाते हो क्या कहते हैं ईथरनेट। तो लाइन जब इसका यूज करा जाता है किसका, केबल का, तो केबल उसी नाम से आती है थिन ईथरनेट और थिक ईथरनेट। जैसे इंटरनेट, इंटरनेट एक वायर है ना, वायर मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट कैसा है वाइड एरिया नेटवर्क, वैसे ईथरनेट भी आपका लाइन है लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क है और ये भी एक क्या है नेटवर्क है, ये आपके पास पूरी दुनिया के लिए है या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो उसी नाम से केबल बन गई है थिक और